दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज की खबर हमने पीआईबी से ली है और खबर है एक्वा रीजुनिवेशन फॉर इरिगेशन यूनिट। एक्वा रीजुनिवेशन प्लांट से बड़े पैमाने पर अपशिष्ट जल को शुद्ध करके सिंचाई में उपयोग किया जा सकेगा। इसे सीएसआईआर सीएमईआरआई यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। इस एक्वा रीजुनिवेशन प्लांट से प्रतिदिन लगभग 24,000 लीटर अपशिष्ट जल को शुद्ध किया जा सकता है। हालांकि सीएसआईआर सीएमईआरआई में स्थापित एक्वा रीजुनिवेशन पायलट प्लांट एक दिन में अधिकतम 40,000 लीटर तक अपशिष्ट जल का शोधन कर सकती है। यह सीवेज के सभी प्रदूषकों को हटाने में सक्षम है। सीएसआईआर सीएमईआरआई ने स्वदेशी रूप से विकसित इन जल शोधन तकनीक को जल शोधन के क्षेत्र में पहले से कार्यरत 3 प्रमुख एमएसएमई को हस्तांतरित किया है। यह तकनीक जल शोधन के क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की दिशा में एक प्रमुख कदम है। सीएसआईआर सीएमईआरआई ने पानी को शुद्ध करने के लिए एक नवीन तकनीक विकसित की है। पानी से दूषित पदार्थों को हटाने के लिए रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाएगा। इसके लिए सेडिमेंटेशन, निस्पंदन और एरेशन का उपयोग होता है।